नीरज गोयत एक भारतीय मुक्केबाज और मिश्रित मार्शल कलाकार हैं। पिता जोगिंदर सिंह, माता कमला देवी, भाई बहन एक भाई और एक बहन। शौक यात्रा करना और कार चलाना। नीरज गोयत का जन्म 11 नवंबर 1991 में हरियाणा के करनाल के बेगमपुर गांव में हुआ था। नीरज गोयत ने अपनी स्कूली शिक्षा एसडी मॉडल स्कूल हरियाणा से 9वीं कक्षा तक की। उन्होंने 2006 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में बॉक्सिंग शुरू की और वहीं से 10वीं की पढ़ाई की। 2017 में आयोजित पहले सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने प्लैटिनम मेडल जीता। साल 2014 में नीरज गोयत ने यूथ नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज को मुक्केबाजी में दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि खिलाड़ियों की शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने जिम्नास्टिक से शुरुआत की, लेकिन फिर जब उन्होंने अपने आसपास मुक्केबाजों को प्रशिक्षण लेते देखा तो वे उनकी फिटनेस और लंबी उम्र से बहुत प्रभावित हुए और इस तरह उन्होंने मुक्केबाजी की ओर रुख किया। वर्ष 2001 में उनका चयन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हो गया, जहां उन्होंने कोचों से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली और इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ साइकिलिस्टों से बहुत कुछ सीखा। नीरज गोयत का कैरियर। नीरज गोयत पहले भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं जो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले ओलंपिक क्वालिफायर के लिए वेनेजुएला गए और कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2017 में WBC एशिया ऑनरेडी बॉक्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। प्रो बॉक्सिंग में प्रदर्शन, 3 बार WBC एशिया खिताब धारक, WBC एशियाई चैंपियन 2015, WBC एशियाई चैंपियन 2016, WBC एशियाई चैंपियन 2017। प्रो मुकाबलों की कुल संख्या 24 जीते 18, 8 नॉकआउट, ड्रा 2, हारे 4। शौकिया मुक्केबाजी में प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां, जूनियर राष्ट्रीय 2007, कांस्य युवा राष्ट्रीय 2008, स्वर्ण अखिल भारतीय सुपर कप 2010, रजत अखिल भारतीय AK मिश्रा 2010, स्वर्ण राष्ट्रीय खेल 2011, रजत सीनियर नेशनल 2012, रजत फिल्म और टेलीविजन कैरियर। अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां, ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट 2016 वेनेजुएला, कांस्य पदक युवा राष्ट्रमंडल खेल 2008, कांस्य पदक युवा विश्व चैंपियनशिप 2008 मेक्सिको, भागीदारी राष्ट्रपति कप इंडोनेशिया 2011, भागीदारी विश्व सैन्य खेल 2011 ब्राजील, भागीदारी। बॉक्सिंग पर टेलीविजन शो में नीरज गोयत ने भाग लिया। SIFL चैलेंजर्स अगस्त 2012 में झूम टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। 2013 में SIFL क्रमांकित घटनाएं, सुपर बॉक्सिंग लीग सीजन 1 में हरियाणा वॉरियर्स टीम के कप्तान, 7 जुलाई से 12 अगस्त 2017 तक सोनी ESPN पर प्रसारित। रियलिटी टीवी करियर 2024, बिग बॉस OTT 3 प्रतियोगी। फिल्मी करियर, नीरज गोयत ने दीपक तंवर के साथ अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्केबाज से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अल्टीमेट बीस्ट मास्टर दिसंबर 2017 में नेटफ्लिक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया। नीरज गोयत को फरहान अख्तर के साथ तूफान फिल्म में एक बॉक्सर की भूमिका निभाते देखा जा सकता है, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया है। नीरज ने रामचरण के साथ तेलुगु फिल्म RRR में काम किया। नीरज ने वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म घनी में काम किया। विवाद, नीरज गोयत का विवाद माइक टायसन के साथ उनके कार्यक्रम के स्थगित होने से जुड़ा है। 2024 में जैक पॉल बनाम माइक टायसन इवेंट के दौरान नीरज को हेंडरसन नूंस का सामना करना था, लेकिन माइक टायसन के साथ एक व्यक्तिगत मुद्दे के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। इस विवाद ने नीरज की पेशेवर छवि पर असर डाला। बनाम गोयत, 21 मई 2024 को यह घोषणा की गई थी कि गोयत 20 जुलाई 2024 को टेक्सास, अमेरिका के अर्लिंगटन में AT&T स्टेडियम में जैक पॉल बनाम माइक टायसन नेटफ्लिक्स इवेंट के अंडरकार्ड पर यूट्यूबर और बॉक्सर हेंडरसन नूंस का सामना करेंगे। हालांकि माइक टायसन के साथ एक व्यक्तिगत मुद्दे के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और अब 15 नवंबर 2024 को उसी क्षेत्र में नीरज गोयत ने नूंस के साथ मुकाबला किया और सर्वसम्मति से जीत हासिल की।